हाय, मेरा नाम सूरज चौहान है और मैं 18 साल का हूँ और मैं यूपी देवरिया से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। लेफ्ट और राइट आई दोनों में मैं -4 का चश्मा यूज़ करता हूँ। जब मैं क्लास 6 में था, गांव में पढ़ता था, तब से दूर का थोड़ा कम दिखाई देता था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने चश्मा बंद लगवा दिया, मगर ऐसे कुछ क्लियर नहीं, चश्मा हटाओ फिर क्लियर नहीं दिखता था। कहते तो बहुत आते हैं, लाइक कोई मैच वगैरह नहीं खेल सकते, बैडमिंटन कोई भी स्पोर्ट्स हम नहीं खेल सकते, खास करके मैं, बिकॉज चश्मा लगाओ हिलता डुलता रहता है। अगर बैडमिंटन ही खेलो तो चश्मा गिर सकता है, आँख में लग सकता है। मैं क्रिकेट भी खेलो तो आँख में लग सकता है, बॉल आके लग सकता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। स्विमिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि पानी में अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो आँख में पानी जाएगा, खारा पानी, तो दर्द करने लगता है। इसकी वजह से चश्मा लगा के भी स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। मेरे देवरिया में लाइक मैंने वहाँ बहुत जगह पता किया, बहुत सारे डॉक्टर के पास पता किया कि चश्मा कैसे हटाए। उन्होंने बस यही ये ड्रॉप डालो, नहीं ठीक हो पाया, कोई प्रॉपर इलाज मिलता ही नहीं था, चश्मा लगाना ही पड़ता था। ऐसे बचपन में तो हम लोग को मोबाइल मिलता नहीं था, तो जब मैं 9th-10th में गया तो फिर पापा ने फ़ोन दिलाया, तो तब से मैं सर्च करने लगा। मैं यूट्यूब पे देखता था, गूगल पे करता था, बहुत सारे हॉस्पिटल आते थे। जब बात करो तो बोलते हैं ये नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे ये सुविधाएं हैं, मगर कोई प्रॉपर नहीं बताता था कि चश्मा कैसे हटेगा। बाद में जब मैंने अच्छे से ध्यान दिया, जब पता किया, तो मैंने पाया कि I7 हॉस्पिटल है नई दिल्ली। अगर आप भी गूगल पे लिखते हो कि नंबर 1 आई हॉस्पिटल इन इंडिया, ऑल इंडिया, यू विल फाइंड I7 ऑन फर्स्ट। मैं मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट हूँ, तो उसने मर्चेंट नेवी में चश्मा अलाउ ही नहीं है। मतलब सर्जरी कराने के बाद अगर I6x6 है तो सही है, मतलब उसमें 6x6 मैंडेटरी है, बाकी चश्मा लगा के अलाउ नहीं है उसमें, उसे लिए हटवाना है मेरे को। मैं यूट्यूब पे देखता था वीडियो, उसमें बहुत सारे पेशेंट थे जिनका सर्जरी हुआ था, वो अच्छे से रिव्यू देते थे कि हाँ ऐसा है, बढ़िया आँख पूरा मेरा 6x6 हो गया। किसी किसी का आई विजन और सुपर हो जाता था, तो वहाँ पर मैंने पता किया, तो वहाँ पर कस्टमर स्टाफ लोग ने बताया कि ये तरीका है हटाने का, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पहले आप हॉस्पिटल पे आओ, चेकअप कराओ। तो मैंने यहाँ पे आया दिल्ली, नई दिल्ली लाजपत नगर, तो मैं यहाँ पे आया, हॉस्पिटल आया, तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे, उनसे मैंने बात की, वो लोगों ने बताया कि हाँ सर्जरी हो गई, मेरा आई सही हो गया, तो ट्रस्ट तो बनना ज़रूरी है, बन गया। फिर यहाँ पे चेकअप हुआ, डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया वेबलाइट इनोवाइस, तो बाकी उसी के लिए जाना है। नर्वस तो हूँ, ये तो ज़रूरी है नर्वस होना, बाकी वैसा मतलब इतना हार्ड कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले से भी ऐसे इंटरव्यू वगैरह में बैठ चुका हूँ, तो कोई इतना कोई डर वगैरह नहीं है। मतलब थोड़ा ये है, पहली बार एक्सपीरियंस करना है कि सर्जरी कैसी होती है, क्या होगा, ये तो आइडिया नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। कल मेरी वेबलाइट हुई थी, इसमें कोई ऐसा कुछ पेन वगैरह नहीं था। डर थोड़ा सबको लगता है, बाकी और कुछ नहीं, सर्जरी अच्छा था, सक्सेसफुल था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया हो गया आपका। तो दो दवाइयाँ आपको कल बताई थी, आप वैसे ही डालते रहिए, ठीक है, हमें फिर आप दिखा दीजिए। ओह, नाउ माय विजन इज 6x6, आई कैन सी प्रॉपरली विदाउट एनी स्पेक्स। आई थिंक आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स फॉर माय फ्यूचर, बिकॉज मर्चेंट नेवी में स्पेक्स अलाउ नहीं था, बट अब स्पेक्स नहीं लगाना है, देन आई कैन सी प्रॉपरली एंड आई डोंट हैव एनी इंटरप्शन फॉर सीइंग एनीथिंग। आई वुड लाइक टू थैंक्स I7 हॉस्पिटल एंड मेन डॉक्टर राज चौधरी, बिकॉज ही वॉज वेरी हम्बल एंड एवरी स्टाफ इज वेरी हम्बल। थैंक्स।